मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चलती रिक्शा में एक बार फिर घिनौनी हरकत की गई है। बता दें कि चलती रिक्शा में 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया है। जहां मुंबई में गोरेगांव की आरे कॉलोनी से ये रेप की घटना सामने आ रही है, जहां रिक्शा में एक 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और धमकी देने का ये ताजा मामला सामने आ रहा है। इस हैवानियत भरी घटना के आरोप में इंद्रजीत सिंह नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब आईपीसी की धारा बता दे 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहां चलती ऑटो में 20 वर्षीय महिला से बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद महिला को लात घूसों से पिटाई की गई है, जिसके बाद किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई और आरोपी बलात्कार करने के बाद यूपी फरार हो गया था, जिसके बाद आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि आरोपी का नाम इंद्रजीत सिंह है। जहां महिला अपनी मौसी की यहां बेलापुर मिलकर मुंबई गोरेगांव लौट रही थी, तभी ये घिनौनी हरकत सामने आ रही है, जहां चलती रिक्शा में महिला के साथ बलात्कार किया गया। और यही नहीं, बलात्कार करने के बाद आरोपी ने उसे नहीं बताने की धमकी भी दी। महिला को 2 महीने पहले ऑपरेशन के बाद डिलीवरी हुई थी। आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया और आरे पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है।